हाय फ्रेंड्स, आज हम थ्री फेज लोगो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मालूम करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें आए दिनों पड़ते रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पेंटो रीज नहीं होने पे क्या करें, VCP क्लोज नहीं हो रहा है, MR प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है तो क्या क्या कर सकते हैं, लोगो ब्रेक रिलीज नहीं होने पर क्या करें, हेडलाइट बल्ब नहीं जलने पर क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे लोगो का यदि स्पीड 1 KMPH, 10 KMPH या 15 KMPH से अधिक नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आते रहें। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थ्री फेज लोगो। यदि सी ऑन नहीं हो रहा है तो क्या करें। SB1 पैनल में 126 और 218 पॉइंट कॉन्टेक्टर्स को दबाए रखेंगे जब तक कि हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन नहीं हो जाता, यानी कि 504 नोड नहीं आ जाता। 504 नोड आने पे कॉन्टेक्टर को छोड़ेंगे। इस प्रकार हम सी ऑन कर सकते हैं। सी ऑफ करने के लिए 112.1 MCB ब्रेकर को ओपन करेंगे तो सी ऑफ हो जाएगा। यदि सी ऑफ नहीं हो रहा है तो इस प्रकार सी ऑफ कर सकते हैं। MCPA चालू नहीं हो रहा है तो SB2 पैनल में 48.2 कॉन्टेक्टर नॉब को दबाएंगे, MCPA को चालू कर सकते हैं। यदि पेंटोरेज नहीं हो रहा है तो SB2 पैनल में 130.1 रिले के नॉब को दबाएंगे। VCB क्लोज नहीं हो रहा है तो SB1 पैनल में 136.4 रिले कॉन्टेक्टर को दबाएंगे। हेडलाइट काम नहीं कर रहा है तो क्या करें। SB1 पैनल में 310.1/1 HL1 बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो MCB को चेक करेंगे। यदि HL2 बल्ब नहीं जल रहा है तो SB2 पैनल में 310.1/2 MCB को चेक करेंगे। हेडलाइट बल्ब नहीं जल रहा है तो SB1 और SB2 पैनल में 338.1 और 338.2 कॉन्टेक्टर्स को दबाएंगे। HL1 बल्ब के लिए 338.1 और HL2 बल्ब नहीं जल रहा है तो 338.2 कॉन्टेक्टर्स को दबाएंगे। यदि हमारे लोगो में कूलिंग मोड में VCB ट्रिप हो जा रहा है तो OCR78 और ट्रांसफार्मर आयल को चेक करेंगे। लोगो ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या करें। न्यूमेटिक पैनल में 94 कॉक को क्लोज एंड ओपन करेंगे। यदि नॉर ब्रेक सिस्टम होगा तो 20 और 16 TP को प्रेस करेंगे। इसके बाद भी यदि इनकेस ऑफ VCB क्लोज नहीं हो रहा है तो 1/1 बोगी को आइसोलेट करके ट्राई करेंगे और 136.4 कॉन्टेक्टर द्वारा भी क्लोज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, हेडलाइट काम नहीं कर रहा है तो 338.1 SB1 पैनल में 338.2 SB2 पैनल में कॉन्टेक्टर रहता है। HL1 के लिए ये है और HL2 के लिए SB2 पैनल में कॉन्टेक्टर को प्रेस करेंगे। MR प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है तो 269.4 प्रेशर स्विच को टैप करेंगे। इसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो MCB 127.9/4 जो कि SB2 पैनल में है ट्रिप करके VCD को आइसोलेट करके गाड़ी काम करेंगे। यदि हमारे लोको में TMB ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, OCB आयल कूलिंग ब्लोअर या SR आयल पंप कोई भी डिफेक्टिव हो जाता है तो उससे संबंधित बोगी को आइसोलेट करेंगे। यानी कि ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 अगर डिफेक्टिव हो रहा है तो बोगी 1 को आइसोलेट करेंगे और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर यदि 2 डिफेक्टिव हो रहा है तो बोगी 2 को आइसोलेट करेंगे। इसी प्रकार हम OCB और SR पंप भी कोई डिफेक्ट हो रहा है तो उससे संबंधित बोगी को आइसोलेट करके 50% लोड में गाड़ी काम करेंगे। यदि कोई ट्रांसफार्मर आयल पंप आइसोलेट हो जा रहा है तो 70% लोड में गाड़ी काम करेंगे और समय समय पर ट्रांसफार्मर का आयल लेवल और टेम्परेचर भी चेक करते रहेंगे। वहीं यदि SCB स्क्वेंजिंग ब्लोअर खराब हो जाए तो किसी को भी आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से गाड़ी काम कर सकते हैं।
यदि CHVA डिफेक्टिव हुआ तो डे एंड नाइट में 5 घंटे तक गाड़ी काम कर सकते हैं। यदि टी और बी 300 kN से अधिक न जाए तो ZTEL देखेंगे, ये ऑन कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, यदि लोको का स्पीड 1 kmph से अधिक नहीं जाए तो बोगी 1 और या बोगी 2 को आइसोलेट करके देखेंगे। यदि लोको का स्पीड 10 kmph से अधिक नहीं बढ़ रहा है तो 269.6/1 एंड 269.6/2 प्रेशर स्विच को टैप करेंगे, या प्रेशर स्विच नियर एक्जुलरी रिजर्वायर के पास रहता है। यदि स्पीड 15 kmph से अधिक नहीं जाए तो 160 स्विच को 1 पोजीशन में होना सुनिश्चित करेंगे और PR कॉक हॉरिजेंटल में होना सुनिश्चित करेंगे। लोको ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो 94 कॉक को क्लोज करके ओपन करेंगे। इस प्रकार हम लोको ब्रेक रिलीज कर सकते हैं। यदि हमारे लोको में F0104 मैसेज आ रहा है, यानी कि नो टेंशन सप्लाई नहीं है, तो फर्स्ट PT फ्यूज को चेक करना चाहिए। यदि कूलिंग मोड में VCB ट्रिप होता है तो OCR78 को चेक करेंगे। BL की कूलिंग मोड में 126 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है, वहीं ड्राइविंग मोड में 126 और 218 दोनों कॉन्टेक्टर क्लोज होता है। इस प्रकार हम 3-phase लोको के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कम समय में मालूम किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Oh, 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 oh